हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम बिहार दरोगा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट 14 यानी टेस्ट नंबर 14 लेके आए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आए और जो वीडियो जो है वो आपको फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बता दें कि इस चैनल पे ही एमटीएस 2023 के लिए मैथ का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें टाइम एंड वर्क खत्म हो गया और नल और टंकी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप जाके उस वीडियो को भी देखें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। सेकंड है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। तो क्या होगा आंसर इसका? फिर केवल एक या फिर क्या है, उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सत्य यानी कौन सा सही है? तो केवल एक है, दो है, या फिर एक अदो दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल एक, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था, लेकिन मोक्ष की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब कि मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलता है, न कि शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक होगा, सेकंड गलत है। उसके बाद चलते हैं, यानी कहने का मतलब केवल एक, उसके बाद सेकंड। सेकंड क्या कहता है कि सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख, या फिर कान्हेरी अभिलेख, या फिर रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख। तो यह जो है आपको रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलता है, यानी सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट की जानकारी जो है वो आपको रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से मिलता है। यानी दूसरा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जो गौतमी बलश्री का नासिक गुहा अभिलेख जो है वो आपको मिलता है अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कहने का मतलब कि यह जो है गौतमी सतकर्णी जो है वो आपको केनासिक केनासिक जो गुहा लेख जो है उससे मिलता है। यानी गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख किससे मिलता है? केनासिक गुहा लेख से, ठीक है? उसके बाद चलते हैं थ्री। थ्री क्या कहता है कि हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है? मंडी, मंडी प्रधान सचिव, अवंती विदेशी, सिंहनाद प्रधान सेनापति, या फिर डी कुंतल। तो जो सही नहीं है वो है कुंतल, यानी गज सेना का प्रधान। यानी तीसरा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कुंतल जो है वो आपको अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। किसका होता है? अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ना कि गज सेना का प्रधान। बाकी तीन जो है, मंडी जो है, मंडी है, अवंती, सिंहनाद, ये सब सही है, लेकिन कुंतल जो है गज सेना का नहीं होकर किसका होगा? अश्वारोही। कौन सा? अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी। उसके बाद फोर। फोर क्या कहता है कि लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं, यानी लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं कौन है? भर्तृहरि, ब्रजदत्त, संध्या, करनदी, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता जो है वो आपको ब्रजदत्त हैं। कौन सा है? ब्रजदत्त, ठीक है? तो उसके बाद और क्या है, जैसे भर्तृहरि है ना, जो भर्तृहरि जो है वो आपको नीति शतक और श्रृंगार शतक के रचयिता हैं। कौन है? नीति शतक और श्रृंगार शतक, और एक और है वैरण्य शतक, और ब्रजदत्त तो है ही है लोकेश्वर शतक, है ना?
और संध्याकार, एक और कौन सा है? संध्याकार। तो संध्याकार जो है रामचरित्र के लेखक, कौन सा है? रामचरित्र। और इसका संबंध किससे है? रामपाल, यानी जो पाल शासक जो थे रामपाल, उससे संबंध रखते थे। कौन रखते थे? क्या बोलते हैं, संध्याकार, नहीं सॉरी, हाँ संध्याकार नदी जो है वो रखते थे किससे? किससे? पाल वंश के शासक देवपाल से, पाल का शासक रामपाल से, सॉरी पाल का शासक रामपाल से। अब उसके बाद है फाइव। फाइव का क्या कहता है कि संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, बाघ, धनुष या हाथी? तो संगम कालीन चेर शासक का प्रतीक चिन्ह जो था वो था धनुष। क्या था? धनुष। और जो संगम कालीन जो चोल शासक था उसका प्रतीक चिन्ह था बाघ, है ना? क्या था? बाघ। और जो चेर शासक था उसका था धनुष, और चोल जो शासक था उसका क्या था? बाघ था। ठीक है, अब एक और कौन सा है? पांडव वंश। पांडव वंश का था मछली। क्या था? मछली, है ना? यानी मछली किसका था? पांडव वंश का। पांडव वंश का प्रतीक चिन्ह था क्या? मछली था। और संगम कालीन चेर शासक का था धनुष, और जो बाघ है वो था आपको चोल शासक, है ना? चोल शासक का क्या था? बाघ था। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स। सिक्स क्या कहता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था? जाट, दमयक, राजपूत, खोक, खर, है ना? तो यह जो है वो आपको हुआ था खोक खर जनजाति के बीच हुआ था। और जो अंतिम अभियान जो है मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान कब हुआ था? 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के बीच, यानी पंजाब का जाति है कौन सा है? खोखर जाति, उसके बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1205 ईस्वी में। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेवन। सेवन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहां शासक कौन थे? राणा रतन सिंह, या फिर रायकर्ण, या शीतल देव, या हम्मी हम्मीरदेव? तो यह जो है आपको कौन सा हो जाएगा? हम्मीरदेव। यानी अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय शासक कौन था? हम्मीरदेव, है ना? तो सात का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद एट। एट क्या कहता है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, कौन थी? तो अकबर के समय युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो है वो कहाँ की थी? वह जो है वो आपको मंडला गढ़क टंगा की थी। कहाँ की थी? मंडला गढ़क टंगा, है ना? यानी आठ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो अकबर जो है मंडला गढ़क टंगा की जो अथी किया था, क्या बोलते हैं, गोडवाना का अभियान किया था, वो कब किया था? 1564 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किए थे? आसफ आसफ खां के नेतृत्व में। ठीक है, और यहाँ के शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। और यह जो है रानी दुर्गावती वो आपको चंदेलिये वंश की थी। कौन वंश की थी? चंदेलिये वंश की। यानी कहने का मतलब कि जो अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी मंडला गढ़ कंडा की थी। और यह कब, जो अकबर जो है कब अथी किया था, क्या बोलते हैं, अभियान कब किया था? 1564 में। और वहाँ के किसके नेतृत्व में किया था? आसफ खां के नेतृत्व में, है ना? और जो रानी दुर्गावती थी वो चंदेल वंशीय की थी, है ना? इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है नाइन। नाइन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, और इनमें से कोई नहीं। तो नाइन का क्या हो जाएगा? नाइन का हो जाएगा आपको गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात, है ना? दुबला हाली प्रथा किसके कहाँ प्रचलित थी? गुजरात में थी। उसके बाद है टेन। टेन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, है ना, पावना विद्रोह, या फिर एका आंदोलन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पावना। यानी 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच हुआ था। कहाँ में हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, कौन विद्रोह? पावना विद्रोह। कब? 1873 से 1876। कहाँ? तो बंगाल में हुआ। ठीक है, और नील विद्रोह जो है वो आपको 1859 से 1860, कब?
1859 से 1860 में, ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। यानी पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ, नील विद्रोह भी बंगाल में हुआ, लेकिन पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1876 के बीच, और नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच। उसके बाद दक्कन विद्रोह है, तो दक्कन विद्रोह आपको 1874 से 1875, ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और पुणे, कहाँ? महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में हुआ था। और फिर एक और है एका आंदोलन, है ना, एका आंदोलन जो है वो आपको 1921 से 1922, 1921 से 1922 के बीच हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? ये हुआ था अवध के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं इसका सब ऑब्जेक्टिव, मैंने चारों ऑप्शन का जो है उसका इसमें बता दें। जैसे पावना विद्रोह कब कब हुआ था? 1873 से 1876। उसके बाद नील विद्रोह, यानी 1873 से 1876 के बीच पावना विद्रोह बंगाल में हुआ, नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच, ये भी बंगाल में हुआ। फिर दक्कन विद्रोह, ये आपको 1874 से 1875, ये हुआ महाराष्ट्र पुणे के बीच हुआ। फिर एका आंदोलन 1921 से 1922 अवध के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। उसके बाद है 11। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य, यानी कौन सा गलत? समाचार पत्र संपादक, मूक नायक यानी मोहम्मद अली, फिर लीडर मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, या काल परांजपे। तो कौन सा समाचार पत्र जो असत्य है? तो मूक नायक जो है, मूक नायक मोहम्मद अली, यह जो है आपको मोहम्मद अली नहीं है, कौन सा? भीमराव अम्बेडकर थे। यानी 11 का एक, यानी मूक नायक जो है मोहम्मद अली का संपादक नहीं था, किसका था? भीमराव अंबेडकर, यानी बीआर अंबेडकर, बीआर अंबेडकर, ठीक है, बीआर अंबेडकर, ठीक है। अभी 11 का चलते हैं, सॉरी 12। 12 का क्या है? 12 कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड एलिगनन फर्स्ट, फिर लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, या फिर लॉर्ड केनिंग। तो यह जो हुआ था वो आपको लॉर्ड लॉरेंस के बीच हुआ था। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के कौन सा गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के, ठीक है। उसके बाद है 13। 13 क्या कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो कब लिखा गया था? 1906, 1908 और 1909, यानी 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1909 में, ठीक है। यानी 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपको 13 का सी। अब उसके बाद है 14, यानी 14। 14 क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया? यानी आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था, कब किया था, कहाँ किया था? वो किए थे जर्मनी में, जर्मनी, जर्मनी यानी हिटलर। हिटलर कहाँ के थे? हिटलर थे जर्मनी कहीं थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 15, यानी 15। 15 क्या कहता है कि 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास हेतु टकसाल संबंधी सुझाव, भूमि संबंधी विवेचना, अफीम सेवन रोकने हेतु। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा भूमि संबंधी विवेचना, यानी 15 का सी हो जाएगा आपको। यानी इनाम आयोग का गठन कब हुआ था? 1852। उसके बाद है 16। 16 जो है आपको क्या कहता है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? ओली योगसिन काल में, या फिर मायोसिन काल में, या प्लीस्टोसिन काल में, या फिर प्लायोसिन काल में। तो कौन सा काल में हुआ था? ये हुआ था प्लायोसिन काल में। यानी 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। और जो मायोसिन काल में हुआ था वो हुआ था लघु हिमालय की उत्पत्ति। यानी लघु हिमालय की उत्पत्ति कौन सा काल में हुआ? मायोसिन काल में, ठीक है। और एक और कौन सा है? प्लीस्टोसिन काल, प्लीस्टोसिन युग में हुआ था उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति। यानी उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति जो है प्लास्टोसिन युग में हुआ। कौन सा युग में हुआ? प्लास्टोसिन। अब प्लायोसिन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। मायोसिन काल में यह हुआ था लघु हिमालय, और ओली योगसिन काल में वलन की प्रक्रिया से, यानी कहने का मतलब बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुआ था। यानी बृहद हिमालय की उत्पत्ति जो है
ओलियोक्सिन काल में हुआ। उसके बाद है 17, पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? काली, केन, दामोदर या रूप नारायण नदी। यानी 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी पांडव प्रपात जो है केन नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? केन नदी पर स्थित है। उसके बाद है 18, तो 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? चिकनी जलोढ़ मिट्टी, दोमट या फिर बलुई दोमट या फिर मटियार दोमट। तो यह जो है आपको क्या है, किस मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है? तो यह होता है बलुई दोमट, है ना। कौन सा? बलुई दोमट, यानी 18 का सी हो जाएगा। उसके बाद चिकनी जलोढ़ मिट्टी, इसका क्षमता जो है वो आपको सबसे अधिक होता है। क्या होता है? चिकनी जलोढ़ मिट्टी का जो है जलधारण क्षमता वो आपको सबसे अधिक होता है। उसके बाद 19 क्या कहता है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है तापमान या फिर तापमान एवं नमी या फिर तापमान एवं आर्द्रता या फिर आर्द्रता एवं नमी। तो वनस्पति का विकास जो है वो आपको तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान एवं नमी, यानी 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है 20 है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है वो आपको है कहाँ? गुजरात में, गुजरात, है ना। मोदी जी कहाँ के हैं? मोदी जी गुजरात के हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, और दो दो बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार, है ना। और उसके बाद है 21 क्या कहता है, 21 कहता है कि राठी किस पशु की नस्ल है? राठी किस पशु का नस्ल है? भेड़, बकरी, भैंस, गाय। तो राठी जो है वो आपको किसका है? गाय का है। किसका है? गाय का है। और गाय का बहुत सा, जैसे नेमारी नेमारी हो गया, है ना, और राठी तो है ये है ना। भैंस का क्या हो गया? भैंस का मुर्रा हो गया, जर्दा हो गया। उसके बाद है बकरी, बकरी का एक सबसे अच्छा, सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे अच्छा प्रजाति जो है जमुनापारी, वो बहुत मैंने बहुत ज्यादा दूध देती है। वो जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है और स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, है ना। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे पशु जो नस्ल है ये आपको बिहार दरोगा एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो कहने का मतलब कि आप पशु का जो नस्ल है वो, जितना भी पशु का नस्ल है वो सब आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा होता है और आता भी है, ठीक है। तो आप इन सभी जितना मैं बोला वो सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा और इसी तरह पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद है 22, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यह जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। और भंडारण में पूछेगा, जैसे भारत में कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो आपको है झारखंड। कौन सा है? झारखंड, ठीक है। कौन सा है? झारखंड है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 23 क्या कहता है कि ग्रीन मफलर का संबंध है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से। तो जल मफलर यानी ग्रीन मफलर जो है वो आपको ध्वनि प्रदूषण से, कौन सा प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। यानी 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 24 है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो आपको कौन है? मेघालय है। और जनगणना जो है वो 10 साल में होता है, लेकिन 2011 में हुआ, 10 साल बाद यानी 2021 में होना था लेकिन नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ? कोविड के कारण नहीं हुआ, ठीक है। और एक बात और बता दें कि 2011 का जो जनगणना से भी जितना भी रिलेटेड है क्वेश्चन
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनगणना से आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप 2011 की जनगणना को आप याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके बाद है 25। 25 क्या कहता है कि इरूला जनजाति निवास करती है तेलंगाना, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार या तमिलनाडु। यानी 25 का क्या हो जाएगा आपको, तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। यानी 25 का आंसर इरूला जनजाति जो है आपको तमिलनाडु में निवास करती है। उसके बाद है 26, कहता है कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, यानी कान्हा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो कान्हा जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है ना, कहाँ है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। यानी राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ठीक है, तो उद्यान से भी आप सारा जितना भी उद्यान है वो सब याद रखिएगा, जैसे कान्हा हो गया, पेंच हो गया, है ना, तो ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 27 है झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मेघालय। तो 27 का क्या हो जाएगा, झाकोर आपको गोवा में है, कहाँ है, गोवा। उसके बाद है 28। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कौन सा गलत है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी शारदा इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, शारदा परियोजना गोमती नदी, फिर नाथपा झाखरी परियोजना गोदावरी नदी, वान सागर परियोजना सोन नदी। कौन सा है, सोन नदी। तो कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपको सी, सी गलत है। यानी नाथपा झाकरी परियोजना जो है गोदावरी नदी नहीं होकर ये आपको सतलज नदी, कौन सा है, सतलज नदी, क्या है, सतलज नदी, ठीक है, कौन सा है, सतलज नदी। यानी नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो आपको सतलज नदी। उसके बाद है 29। 29 कहता है पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो जो पायकारा जलप्रपात जो है वो आपको है तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु। यानी 29 का डी। 30 है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कटक, नागपुर, मैसूर, कोयम्बटूर। जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको कहाँ है, नागपुर में है। उसके बाद 31, वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, गिरिधर रमाने, अजय कुमार सूद या अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है कौन है, अनंत नागेश्वरन, है ना। उसके बाद है 32। 32 क्या कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत, पीटी उषा, अभिलाषा बराक या इनमें से कौन है। तो 32 का क्या हो जाएगा, पीटी उषा। यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी, पीटी उषा बनी। 33 है हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, किस देश द्वारा किया गया, थाईलैंड, श्रीलंका, कतर, सऊदी अरब। तो यह जो है आपको कतर, कौन सा, कतर। कतर का राजधानी कहाँ है, वो है आपको दोहा। और जो फीफा जो है, फीफा जो फुटबॉल वाला जो जो गेम होता है वो कहाँ हुआ था, वो कतर में ही हुआ था, कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। और इसका कहने का मतलब कि कौन जीता था, फीफा जो है, फीफा कौन जीता था इस बार, वो जीता था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। मेसी कहाँ के हैं, मेसी जो है वो आपको अर्जेंटीना के हैं, यानी अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है 34। 34 कहता है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली, कोची, पुदुचेरी, गोवा। 34 का क्या हो जाएगा, सी। यानी 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो आपको पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या है, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, वह एक राज्य नहीं है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब जिसका एरिया वाइज छोटा, यानी क्षेत्रफल जिसका छोटा हो, वहाँ वहाँ अधिकार किसका हो, राष्ट्रपति का अधिकार हो, है ना।
उसके बाद है, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पे ना तो मुख्यमंत्री होता है और ना राज्यपाल होता है, ठीक है ना। वहाँ क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी प्रशासक होता है। जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री है और राज्य उपराज्यपाल भी है, लेकिन और जैसे 7 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उसमें एक दिल्ली है। दिल्ली में क्या है, विधानसभा भी है, क्योंकि वहाँ अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल भी हैं। लेकिन और सभी जो 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ जो है वह एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्या होता है, प्रशासक होता है, और वहाँ राष्ट्रपति का शासन चलता है, यानी राष्ट्रपति का नियम चलता है, कानून चलता है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। फिर है 35, 35 है वोस्तोक अभ्यास 2022, किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, वोस्तोक है ना, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो वोस्तोक अभ्यास जो है वो आपको भारत और बांग्लादेश, यानी 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा आपको, सॉरी, वोस्तोक अभ्यास जो है वो आपको भारत बांग्लादेश नहीं, यानी ये गलत है, भारत बांग्लादेश नहीं हुआ था, किसके बीच हुआ था, वोस्तोक अभ्यास जो है वो आपको बहुराष्ट्र, यानी कहने का मतलब सैन्य, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो कहाँ, रूस में आयोजित हुआ था, और यह थल सेना का अभ्यास है। किसका है, थल सेना का अभ्यास है। यानी वोस्तोक अभ्यास क्या है, कोई दो देश के बीच नहीं होता है, यह जो है यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो रूस में आयोजित हुआ था, और यह थल सेना का अभ्यास था, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 36, 36 क्या कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का स्थान कौन सा है, 8वां, 8, 4, 9 या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का क्या हो जाएगा, 4, यानी 4वां, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान क्या है, चौथा है, और प्रथम किसका है, प्रथम है आपको अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद है 37, 37 कहता है दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है, आरबीआई, विश्व बैंक, LIC, एक्सिस बैंक। तो जो दक्ष जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई है ना, किसके द्वारा, आरबीआई, और आरबीआई के अभी कौन सा, जैसे क्या उसको बोलते हैं, कौन है, शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास है ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक, एक है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है ना, यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। उसके बाद है 38, 38 क्या होता है, 38 है भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 38 का क्या हो जाएगा आपको, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, यानी लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है, हैदराबाद था, लेकिन अब कहाँ हो गया है, अमरावती हो गया है। तेलंगाना, तेलंगाना का वो आपको है, वो हैदराबाद ही है, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना कब, 2 जनवरी 2014 को हुआ था, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 39, 39 कहता है इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य है, इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य है, यानी कब है, 2025, 26, 23 और 2024, कब है, 2024 है। और नेट जीरो जो है वो आपको 2070 है, नेट जीरो कार्बन जो है उसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2070 रखा गया है। उसके बाद है 40, 40 क्या कहता है कि हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, जनार्दन प्रसाद पांडे, बद्री नारायण, अमित सिंह, जगन्नाथ मिश्र। तो यह जो है आपको बद्री नारायण, क्या है, बद्री नारायण को प्रदान किया गया। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। उसके बाद है महाकवि दिवस 11 सितंबर, ये भी सही है। सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर नहीं, सामाजिक न्याय दिवस जो है आपको वो आपको है 17 सितंबर है, क्या है, 17 सितंबर है ना, 17 सितंबर। और विश्व पर्यटन तो ही है 27 सितंबर को, है ना। उसके बाद है 42, 42 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
2023 किस राज्य को मिला है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा। तो यह जो है कौन से राज्य को मिला है? उड़ीसा को मिला है। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर, है ना। उसके बाद है आपको 43। 43 क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड या स्टेफ नोस सितसिपास। यानी 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्टेफ नोस सितसिपास। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता जो है वो आपको स्टेफ नोस सितसिपास। विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच, है ना। कौन थे? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो है वो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? वो है पुर्तगाल का। कहाँ है? पुर्तगाल का है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कब, ये भी आप याद रखिएगा कि कब स्टार्ट हुआ था गेम। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 1905 में। इसका जो सतह जो है किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इस सतह कौन सा है? हार्ड कोर्ट, है ना। उसके बाद और आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन हो गया। फ्रेंच ओपन जो है 1891 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1891 में। यह जो है क्ले कोर्ट पे, कौन सा? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फिर है फ्रेंच हो गया, फिर विंबलडन है। विंबलडन जो है वो आपको 1877 ईस्वी में, है ना। तो यह जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे, है ना। और एक और लास्ट में क्या है? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो है 1881 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1881 से गेम स्टार्ट हुआ, खेलना स्टार्ट हुआ। और यह जो है आपको हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा, याद नहीं, एकदम दिमाग में आप इस चीज को बैठा लीजिए। जितना भी बताया, इसे भी बताया, कौन सा सतह पे खेला जाता है, इन सभी बातों को आप एकदम दिमाग में रखिए, ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा तभी आपका काम होगा, तभी आप एग्जाम में, जैसे जिस तरह क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आप देखे और क्वेश्चन देखते के साथ ऑप्शन देखे और टिक कर दिए। तो क्वेश्चन देखे और टिक किए, यही यही चीज रहेगा, तभी आपसे एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। और बहुत ज़्यादा टफ होने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, है ना। मेहनत ज़्यादा कीजिएगा तभी आपसे एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसे आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको निरंतर मेहनत करना होगा, निरंतर मेहनत एकदम अच्छे से करना होगा। ज़्यादा दोस्ती यारी में नहीं रहना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है ना। आप एक स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको जॉब हो जाएगा, जॉब होने के बाद आपका पूरा समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पढ़ना है ना। एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए क्या करना है? पढ़ना है। समाज में एक अच्छा अपना दिखाना है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने कहना, जो भी हो, उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। तो मेहनत कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 44। 44 क्या कहता है कि द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक, विक्रम संपत, मानसी गुलाटी या पीवी अय्यर, है ना। तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा आपको ए। यानी द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के लेखक जो हैं वो आपको है शेखर पाठक। फिर उसके बाद है 45। 45 जो है कहता है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, इंदौर। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, इंदौर। उसके बाद है 46। 46 क्या कहता है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर 1892, 1919 या 1935। तो यह जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है ना। कब? 1919। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा हुआ था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना। उसके बाद है 47। 47 कहता है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। यानी संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना। यानी संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि जो बनते हैं वो बनते हैं क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रांत, यानी विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है 48, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ऐसा से तात्पर्य है, लोकतंत्रात्मक से, समाजवादी से, गणराज्य से या व्यक्ति की गरिमा से। तो 48 का क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य से, है ना, क्या हो जाएगा 48 का, ये लोकतांत्रिक गणराज्य से। 49 क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था, 7वां, 11वां, 15वां, 21वां। तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का ए हो जाएगा, यानी 7वां, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग जो 7 है उसको समाप्त किया गया। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन। 50 कहता है कि पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब परिवर्तित किया गया? 1 जनवरी 2007, 1 नवंबर 1973, 1 अक्टूबर 2006, 1 नवंबर 2011। तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का सी हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2006। उसके बाद है 51। 51 कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, है ना। उसके बाद है आपको 1955 के नागरिक कानून में, है ना। उसके बाद है आपको, उसके बाद क्या है, संविधान के प्रथम अनुसूची में या फिर संसद के विभिन्न अधिनियमों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1955 के नागरिकता कानून में। कौन सा हो जाएगा? 1955 के नागरिकता कानून में। उसके बाद है 52। 52 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो 52 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44, 39, 16 या 14, यानी अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या फिर पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, इनमें से सभी। तो 53 क्या हो जाएगा आपको? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, यानी 53 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 54। 54 कहता है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, या संयुक्त अधिवेशन में पारित होगा, या प्रस्ताव गिर जाएगा। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाएगा, क्या होगा? 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो 54 का क्या था? 54 का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद है 55। 55 क्या कहता है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, संसद के सदनों को संदेश भेजना, या फिर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, यानी 55 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो अध्यादेश का प्रख्यापन जो है वो आपको अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में कहा गया है। कौन सा है? आर्टिकल 52 में बोला गया है। और जो क्या है, अनुच्छेद जो है 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है। किससे करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। 56 है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता? संवैधानिक संशोधन, कैग रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। 56 का क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी 56 का हो जाएगा सी। 57 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, एनओटी, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ जो है वो आपको कौन दिलाता है?
वो आपको दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? वो सॉरी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का राज्यपाल ही दिलाते हैं, है ना। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, अनुच्छेद 219 के तहत। 58 है, 58 क्या कहता है कि क्षेत्रीय परिषद है विधि निर्माणकारी इकाई, परामर्शदात्री निकाय, या फिर प्रशासकीय इकाई, या पूर्वीकृत सभी। तो 58 के क्या हो जाएगा? परामर्शदात्री इकाई, यानी 58 का बी। 59 है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। तो यह जो है वो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। 60 है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, विषय है समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, राज सूची या संघीय सूची। तो यह जो है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है वह आपको समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची। 61 क्या कहता है कि सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? जेंथोफिल, कैरिका जेंथिन, कैरोटिन, एंथोसाइनिन। 61 का क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा एंथोसाइनिन, यानी 61 का हो जाएगा एंथोसाइनिन। और गाजर, गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण, और हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल, और होता है पपीते का होता है कैरिका जेंथिन के कारण, ठीक है ना। फिर 62, 62 कहता है मृदु मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है पौधे को लचीलापन प्रदान करना, हार्मोन को स्रावित करना, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो यह जो है मृदु ऊतक का मुख्य कार्य जो है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना होता है, और पौधे को लचीलापन जो है वो आपको स्थूल कोण, स्थूल ऊतक में होता है। कौन सा ऊतक में होता है? स्थूल ऊतक। दृढ़ ऊतक में है कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। उसके बाद है 63, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र को, यकृत को, या फेफड़ा को। यानी 63 का क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद है 64, 64 कहता है कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम, मेला जेना, गोसिपियम, हेलियंथस इनवर्स, ब्रैसिका कैम प्रेस्टिस, है ना। 64 का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा आपको सी, यानी हेलियंथस इनवर्स। उसके बाद है 65, 65 कहता है कि निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? क्रेफिश, घोंघा, कटल फिश या डेविल फिश। 65 का क्या हो जाएगा? कौन सा मोलस्का संघ का नहीं है? क्रेफिश, क्रेफिश नहीं है, बाकी घोंघा, कटल फिश, डेविल फिश जो है वो आपको कौन सा है? मोलस्का संघ का ही है ना। उसके बाद एक और है इम्पोर्टेंट है, क्रेफिश, नहीं, क्रेफिश, हाँ क्रेफिश जो है वो आपको इकाई नोडरमेटा संघ का है। कौन सा संघ का है? इकाई न इकाई नोडरमेटा, बाकी जो है आपको घोंघा, कटल फिश, डेविल फिश, मोलस्का संघ का है, ठीक है ना। 66 कहता है कि तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो तापमान बढ़ने से पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपको बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। क्या आता है? बढ़ता है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है? श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, या फिर जालवत संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, श्वेत तंतुमय ऊतक। 68 क्या है कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्राव कहाँ से होती है? छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय, या फिर यकृत। यकृत को लीवर ही बोला जाता है। तो यह जो होता है जठर रस का स्राव जो है आपको अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, यानी आपको क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है 69, कहता है हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है प्रमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लोंगाटा, सेरी बेलम, या मेरुरज्जु। तो यह जो है किसका है? मेंडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। मेंडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो आपको मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग में होता है जो सबसे कमजोर होता है, और जो सेरी बेलम जो है मस्तिष्क के बीच वाला भाग में होता है, और सेरी ब्रम जो है वो आपको मस्तिष्क के आगे वाला भाग में होता है। उसके बाद है 70, 70 है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, टेक्सोनॉमी, स्पर्मोलॉजी, या फिर वायरोलॉजी। तो 70 का क्या हो जाएगा? स्पर्मोलॉजी, है ना,
बीजों का अध्ययन जो है आपको स्पोर्मोलॉजी से होता है। उसके बाद एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी जो है फसली पादपों का अध्ययन है, यानी फसली यानी फसल पादपों का अध्ययन है वो आपको एग्रोनॉमी है। उसके बाद है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जो है पादप वर्गीकरण का अध्ययन है, किसका है, पादप वर्गीकरण। उसके बाद है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी है जो है वो आपको है विषाणुओं का अध्ययन, किसका है, विषाणुओं का अध्ययन, ठीक है, किसका है, विषाणुओं का अध्ययन है। उसके बाद है आपको 71, 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, इस्पात, ग्रेफाइट, पीतल या कांच। तो जो मिश्रण नहीं है वो आपको कौन सा है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट किसका अयस्क है, हीरा का है ना, किसका है, हीरा का है। उसके बाद है 72, नहीं ग्रेफाइट जो है वो आपको कार्बन का प्रूफ है, कार्बन का, हीरा का नहीं है, किसका है, कार्बन का है, कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट। उसके बाद है 72, 72 जो है कहता है कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, या फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। तो 72 का क्या हो जाएगा आपको, 72 का हो जाएगा तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या होता है, कम होता है। 73 है फॉस्फिन नामक सह संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है, वर्गाकार, समतलीय, कोणीय, पिरामिड, एक रैखिक। 73 का क्या हो जाएगा, पिरामिड, क्या होता है, पिरामिड होता है। उसके बाद है 74, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है, यानी अम्लीय लवण है, NaCl, NHCO3, CuCO3, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय लवण जो है आपको NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है, और जो सोडियम क्या है, NHCO3 जो है वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो है आपको खाने वाला सोडा का है, किसका है, खाने वाला सोडा। और एक और क्या होता है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, वो जो है आपको धोने वाला सोडा है, क्या है, धोने वाला सोडा। उसका सूत्र होता है Na2CO3 NH2O, ठीक है। तो क्या क्या बताया, एक बताया NHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। उसके बाद एक और बताया धोने वाला सोडा, Na2CO3 NH2O, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 75, 75 क्या कहता है कि बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है, बंधनों का टूटना कौन सा अभिक्रिया है ना, कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, या फिर प्रकाश रासायनिक संयोजन। तो यह जो है बंधनों का टूटना जो है वो आपको किसका है, ऊष्माक्षेपी का है, किसका है, ऊष्माक्षेपी, यानी 75 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 76, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, एल्कोहल, द्रव अमोनिया, किरोसिन, मेथेन। कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, ये जो है आपको मेथेन का नहीं है, इसका है मेथेन का नहीं है। उसके बाद है 77, कहता है फ्लू और स्पार किस धातु का अयस्क है, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको फ्लू और स्पार जो है वो आपको कैल्शियम का अयस्क है, किसका है, कैल्शियम का। उसके बाद 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है, कार्बनिक यौगिक है, फिर इसके बाद क्रियाशील समूह है। तो कार्बनिक यौगिक में है फिनाइल, फिनाइल जो है C6H5, एसिटाइल CO CH3, मरकैप्टन SH, या फिर एल्डिहाइड CO, है ना। तो कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है वो बताना है, तो वो जो गलत है आपको एल्डिहाइड है, कौन सा है, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड है, कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ना कि CO होता है, ठीक है। CO जो है यानी सिंगल बॉन्ड CO जो है वो आपको कीटोन का होता है, किसका होता है, कीटोन का होता है, और एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। उसके बाद है 79, 79 कहता है कि बेंजीन के खोजकर्ता हैं बर्थेलोट, फेराडे, अनवर डार्विन, या फिर हॉफमैन। 79 का क्या हो जाएगा, फेराडे, किसका है, यानी बेंजीन के खोजकर्ता जो है आपको फेराडे हैं, है ना। फिर उसके बाद 80 है, 80 कहता है कि ग्लोबर, ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O, NaNO3, NaNO2CO3 10H2O, फिर NaNO2B4O7 10H2O, है ना। तो
80 का क्या हो जाएगा, यानी ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र जो है Na2SO4 10H2O है ना, यानी 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो NaNO3 है वो आपको है चीली साल्ट पीटर, किसका है, चीली साल्ट पीटर का है। और Na2B4O7 10H2 है, यानी बोरक्स या सुहाग बोल सकते हैं, किसका है, सुहाग का है, ठीक है, सुहागा का है, सॉरी किसका है, सुहागा का है। उसके बाद एकासी, एकासी का प्रक्षेप गति का पथ होता है रैखिक वृत्ताकार समानांतर परवलय, तो इसका क्या होता है, प्रक्षेप गति का परवलय होता है। 82 है जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, बल या फिर बल अघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग। तो जड़त्व घूर्ण का कोणीय त्वरण जो है वो आपको होता है बल अघूर्ण का, किसका होता है, बल अघूर्ण। और बल अघूर्ण जो है वो आपको क्या है, सदिश राशि है, कौन सा राशि है, सदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और बल अघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं जिसमें जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। और अदिश राशि किसको होता है, किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ दिशा होता है, ठीक है ना, परिमाण नहीं होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। फिर तेरासी, तेरासी कहता है सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है 3.86 × 10^24 जूल, 3.16 × 10^25 जूल, या फिर 10^26 जूल, या 10^28 जूल। तो इसका जो है 3.86 × 10^26 जूल होता है, क्या होता है, 3.86 × 10^26 जूल। उसके बाद है आपको चौरासी, चौरासी क्या कहता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण है, उसका क्या है, क्या हो सकता है, कम से अंतः, कम घनत्व, कम आयतन, या कम पृष्ठ तनाव। तो चौरासी का क्या हो जाएगा, चौरासी का हो जाएगा आपको बी, यानी कम घनत्व, कम डेंसिटी। उसके बाद है पचासी, पचासी कहता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर वायु से कांच में। तो पचासी का क्या हो जाएगा, हीरे से कांच में, है ना। छियासी क्या है, छियासी है परमाणु पाइल यानी एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, या ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, या परमाणु त्वरण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, है ना, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। और जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बम, वो आपको नाभिकीय विखंडन के पे ही आधारित है, है ना। उसके बाद है सतासी, सतासी का कहता है कि खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, या फिर प्लूटो और सूर्य। तो खगोलीय इकाई जो है वो आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, किसका है, पृथ्वी और सूर्य के बीच के, है ना। उसके बाद है अठासी, अठासी कहता है कि कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अठासी का क्या हो जाएगा, आवेशित या अनावेशित, है ना, यानी अठासी का हो जाएगा सी। उनासी है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्वनि मापी, प्रकाश प्रकीर्णन, रेडियो धर्मिता, प्रकाशन का व्यतीकरण। तो उनासी का क्या हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन, कौन सा हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन। उसके बाद है नब्बे, नब्बे क्या कहता है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, जिंक, गंधक का अम्ल, कार्बन, या फिर अमोनिया क्लोराइड। तो यह जो है समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट जो है अमोनिया क्लोराइड, कौन सा, अमोनिया क्लोराइड। इक्यानवे है हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से, हॉकी, टेनिस, नौका दौड़, या कबड्डी। तो इक्यानवे का क्या हो जाएगा, इक्यानवे का हो जाएगा हॉफमैन कप जो है, जो है आपको टेनिस से है, किससे है, टेनिस से है। खेल से संबंधित यानी जो भी खेल है, यानी हॉकी से कौन सा खेल संबंधित है, नौका दौड़ से कौन सा है, क्रिकेट से कौन सा है, है ना, फिर मुक्केबाजी से कौन सा है, उसके बाद बैडमिंटन हो गया, ये सब जितना भी खेल है उससे संबंधित जो जो खेल होता है, कप होता है, वो सभी को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बानवे, बानवे कहता है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है सार्वजनिक व्यय से, करारोपण से, शेयर बाजार से, या फिर हवाला से।
तो यह जो है इनसाइड ट्रेनिंग जो है आपको शेयर बाजार से है, किसका है, शेयर मार्केट से है। 93 है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, मुंबई के उद्योगपतियों या फिर श्रीमन नारायण। तो 93 का क्या हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। यानी भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो है आपको एम विश्वेश्वरैया का था। उसके बाद है 94, 94 कहता है कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता, आयात को कम किया जाता है, आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती है, या फिर आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो 94 का है आयात एवं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है मुक्त व्यापार में। 95 है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, कृषि विपन्न, कृषि उत्पन्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या कृषि निर्यात। तो 95 का क्या हो जाएगा, कृषि विपन्न, यानी 95 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 96, 96 मैथ है, तो मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बना के डाल देंगे। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा डी। 97 का क्या होगा, 97 का हो जाएगा सी। 98 का क्या होगा, 98 का हो जाएगा आपको, 98 का बी हो जाएगा। 99 का, 99 का हो जाएगा आपको ए भी बी हो जाएगा, यानी नाती। फिर है 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको 100 का बी, यानी 730। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।